ओडिशा। इस राज्य को पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। ये भारत के पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी पर बसा एक सुंदर राज्य है, जिसमें प्राचीन समुद्र तट, इतिहासों से घिरा पहाड़, चमकदार नदियाँ, आकर्षित झरने, मनमोहक वनस्पतियाँ और विभिन्न प्रकार जीवों से घिरा ये राज्य है। और दूसरी तरफ यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इस राज्य को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। वैसे तो इस राज्य के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस राज्य के बारे में 15 ऐसी रोचक बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। ओडिशा की कुल आबादी 4,37,00,000 है, और ये आबादी इतना ज़्यादा है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से भी कहीं ज़्यादा है। इस राज्य में 62 से अधिक आदिवासी कबीले रहते हैं, और प्रत्येक कबीले की अलग अलग संस्कृति, परंपरा और भाषा है। ओडिया भाषा केवल भारत में ही बोली नहीं जाती है, बल्कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, फिजी, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी इस भाषा की बोलने वाले लोग भी हैं। खाने पीने के मामले में ये राज्य दूसरे राज्य से बहुत ही अलग है। यहाँ के लोग पखाल भात, गुपचुप, छेना पोड़ा, पीठा, चावल बड़ा और खजा को बहुत ही शौक से खाते हैं। ये राज्य त्योहारों के मुकाबले भारत के किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, चंदन यात्रा, मकर मेला, धनु यात्रा और शीतल षष्ठी यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। आप लोग तो ओडिसी नृत्य के बारे में सुने ही होंगे। ये नृत्य दुनिया की सबसे पुरानी सांस्कृतिक नृत्यों में से एक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उड़ीसा की एक गाना पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, और वो है रंगवती। आप लोग तो सुने ही होंगे, ये उड़ीसा की गाना था। उड़ीसा में भुवनेश्वर नाम का एक शहर है, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर में 600 से अधिक मंदिर है, और इस शहर को 3000 साल पहले बसाया गया था। भारत की जितनी भी मिसाइल टेस्ट किया गया है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित व्हीलर आइलैंड में किया गया है। वर्तमान इस आइलैंड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इस आइलैंड पर टेस्ट किया गया कुछ बड़े मिसाइलों में से है आकाश, पृथ्वी और अग्नि। अगर आप उड़ीसा या उड़ीसा के आसपास रहते हैं और बर्फबारी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो उड़ीसा में एक जगह है दारिंगीबाड़ी नाम से, जिसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होता है। उड़ीसा के सिमिलीपाल वन्य अभयारण्य को 100 रॉयल बंगाल टाइगर और 432 जंगली हाथियों का घर माना जाता है। उड़ीसा में चिल्का नाम का एक बहुत ही फेमस झील है। इस झील को डॉल्फिन का एक प्रजाति इरावती, अभी प्रायः विलुप्त तो होने वाला है, उसका घर माना जाता है। और हर सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से हजारों लाखों की तादाद से प्रवासी पक्षी इस झील पर आकर रहते हैं। संबलपुर में स्थित हुमा का झुका हुआ मंदिर पूरी दुनिया का एक लौता झुकाव वाला मंदिर है, और मंदिर का ये झुकाव वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है, क्योंकि जितने भी छोटे बड़े मंदिर है वो सारी मंदिर एक ही तरफ झुका हुआ है। कनार्क मंदिर, वैसे तो ये मंदिर बहुत सारी रहस्य से घिरा है। कनार्क मंदिर को 13वीं सदी में बनाया गया था। कनार्क मंदिर में 12 पहिए और 8 अर्क है, जो कि 24 घंटे यानी कि एक दिन और 8 पहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको पुराने जमाने का इंजीनियरों का कमाल देखना है, तो आपको कनार्क आना ही पड़ेगा। ओडिशा की बात करें और जगन्नाथपुरी को भूल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चारों धामों में से
एक धाम है जगन्नाथपुरी। इस मंदिर में एक किचन है जहां 400 कुक प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक भक्तों के लिए खाना बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।